तो नमस्कार आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है आप सभी का क्रिकेट लाइन गुरु के यूट्यूब चैनल में। हाय लोग, विमेंस प्रीमियर लीग अब धीरे धीरे अपनी समापन की ओर बढ़ती नजर आ रही है, जहां मात्र 4-5 मुकाबले लीग स्टेज के रह गए हैं। आज हम बात कर रहे हैं मैच नंबर 17 की, दिल्ली कैपिटल्स बनाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। भाई ये मुकाबला 10 मार्च यानी कि संडे को शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। मैदान है अरुण जेटली स्टेडियम। हाय लोग, इस मुकाबले की अगर हम बात करें तो हाल फिलहाल दिल्ली कैपिटल्स तो 6 में से 4 मुकाबले जीत कर 8 पॉइंट्स और +1.059 के नेट रन रेट के साथ टॉप पर बैठी है। तो वहीं रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु 6 में से 3 मुकाबले जीती है, पॉइंट्स इनके 6 और नेट रन रेट है +0.038 का। एंड दैट शोज हाउ इंटरेस्टिंग दिस मैच इज गोइंग टू बी। वेल, अगर बात करी जाए रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की, तो पिछले मैच में इन्हें गुजरात जायंट से हार का सामना करना पड़ा है। वहीं दिल्ली कैपिटल्स यूपी वॉरियर्स के खिलाफ मात्र 1 रन से चूकी है। अब दोनों ही टीम्स जो कि हार का सामना करती हुई नजर आई हैं, क्या आरसीबी भी दिल्ली में दिल्ली पर जीत दर्ज कर पाएगी? कल देखना होगा, दिलचस्प। भाई लोग, शुरुआत करते हैं वेन्यू के साथ। अरुण जेटली स्टेडियम में सीजन के 4 मुकाबले हुए हैं और चारों के चारों मैचेस पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम ने अपने नाम करे हैं। एवरेज स्कोर 180 का है, हाईएस्ट स्कोर है गुजरात जायंट्स का 199 रन और लोएस्ट स्कोर है यूपी वॉरियर्स का 118 रन। बॉलर्स के प्रदर्शन की बात करी जाए तो 49 विकेट्स टोटल चटकाए गए हैं, 18 विकेट पेसर्स ने और 31 विकेट स्पिनर्स की झोली में गिरे हैं। अब यहां पर एक चीज तो साफ है कि भैया कैप्टन टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करना पसंद करेंगे, बट दोस्तों पिछले मुकाबले को ध्यान में रखते हुए इस मैच में शायद सेकेंड बैटिंग करने वाली टीम के भी चांसेस बनते नजर आते हैं। ये तो होती है बात वेन्यू की, पढ़ते हैं हेड टू हेड कंपैरिजन की ओर। दोस्तों दिल्ली और आरसीबी के बीच 3 मुकाबले हुए और तीनों के तीनों मैचेस दिल्ली कैपिटल्स के नाम रहे हैं, यानी कि अभी तक दिल्ली का परचम लहरता नजर आ रहा है। वहीं अगर बात करी जाए इस अपकमिंग कॉन्टेस्ट की, तो दिल्ली कैपिटल्स की ओर से मैग लैनिंग, शिफाली वर्मा, एलिस कैप्सी, ये तीनों ही बल्लेबाज एक बार फिर कारगर साबित हो सकती है। मैग लैनिंग ने 6 मैचेस में 261 रन बनाए हैं, शिफाली वर्मा ने 171 और एलिस कैप्सी का ऑलराउंड प्रदर्शन हमें देखने को मिल सकता है, जिन्होंने 182 रन और 3 विकेट अपने खाते में जोड़े हैं। अब भाई लोग, अगर बात करी जाए गेंदबाजों की, तो यहाँ पर आप 3 बॉलर्स को सेलेक्ट कर सकते हैं, जस जोनासन विद 10 विकेट्स इन 4 मैचेस, राधा यादव विद 10 विकेट्स इन 6 मैचेस एंड शिखा पांडे जिन्होंने 6 मैचेस में 5 विकेट चटकाए हैं। तो ये हैं वो 6 खिलाड़ी फ्रॉम दिल्ली कैपिटल्स जो कि आरसीबी के खिलाफ धावा बोलते हुए नजर आ सकती है। वहीं इनके ओपोनेंट्स बेंगलुरु की बात करी जाए तो शबी नेनीमेगा, स्मृति मंदाना और एलिस पेरी, ये 3 ऐसी बल्लेबाज हैं जिन पर आप रख सकते हैं भरोसा। दोस्तों टॉप ऑर्डर में मंदाना ने 243 रन बनाए हैं, एस मेघना ने 168 रन और एलिस पेरी ने 5 मैचेस में 157 रन अपने खाते में जोड़े हैं, और ये तीनों ही बल्लेबाज आपकी फैंटेसी टीम का हिस्सा बन सकती है। वहीं बॉलर्स की अगर हम बात करें तो आशा शोभना विद 7 विकेट्स, सोफी मेलोनिक्स विद 7 विकेट्स एंड जॉर्जिया वॉनहम विद 6 विकेट्स हैं वो 3 गेंदबाज जो कि आरसीबी की तरफ से दिल्ली कैपिटल्स के बल्लेबाजों पर कहर बरपाती नजर आ सकती हैं। दोस्तों ओवरऑल अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं दिल्ली कैपिटल्स ऑन पेपर एंड ऑन फील्ड ज्यादा स्ट्रांग नजर आती है, भले ही यूपी वॉरियर्स के खिलाफ हार का सामना किया है, लेकिन भैया आरसीबी को धर दबोचने की काबिलियत रखती है, जिन्होंने ऑलरेडी इस सीजन में आरसीबी पर जीत दर्ज करी हुई है। तो भाई लोग, इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए आपकी क्या प्रतिक्रिया है? क्या आरसीबी ये मुकाबला जीत रही है, दिल्ली को दिल्ली में हरा रही है? कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, जवाब जरूर दीजिएगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो पर लगाते हैं लगाम, लेकिन क्रिकेट की तमाम अपडेट्स आपको यहाँ पर मिलती रहेंगी, सो स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग क्रिकेट लाइन गुरु।